हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और समर स्पेशल वीडियो है, क्योंकि समर स्टार्ट होने वाले हैं तो हमारी जो स्किन है उसको बहुत ज़्यादा नीड होती है कि हमारी स्किन हाइड्रेट रहे, हमारी स्किन ऑयल फ्री रहे और हमारी स्किन पर कोई भी स्पॉट्स ना हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छा पैक, एक बहुत ही अच्छी होममेड रेमेडी, जिससे कि आपकी स्किन से बहुत सारी प्रॉब्लम रिड्यूस होगी। ये ओनली मतलब फेस के लिए ही नहीं है, ये आपकी पूरी बॉडी के लिए। आप इसे बॉडी पर यूज़ कर सकते हो, आप इसे फेस पर, हैंड पर, आपकी पूरी बॉडी के लिए है ये पैक। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पैक है ये, और आपकी स्किन पर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स इससे मिलने वाले हैं। तो आई होप आपको वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो हमेशा आप कोई भी पैक यूज़ करो तो उससे पहले आप अपनी स्किन को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि जितना भी डर्ट है वो सब रिड्यूस हो जाए, ताकि जो पैक हम रेमेडी जो यूज़ करें उसका जो बेनिफिट है वो हमें काफ़ी अच्छे से मिल सके। इसलिए हमारी स्किन क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने यहाँ पर रोज़ वाटर लिया था और उससे एक कॉटन की हेल्प से मैंने उसे क्लीन कर लिया है अच्छे से। उसके बाद हम बनाएंगे पैक। तो पैक के लिए क्या क्या लेना है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने यहाँ लिया है हनी, और उसके बाद मैंने एलोवेरा जेल लिया है, उसके बाद मैंने रोज़ वाटर लिया है। इनके बेनिफिट्स भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, इनके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है मिल्क, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग वर्क करता है स्किन की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में। उसके बाद जो लास्ट मैंने यहाँ पर लिया है वो ऑरेंज है एक, जो कि बहुत ही अच्छा वर्क करने वाला है, और आपको पता ही होंगे इसके बहुत सारे बेनिफिट्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मिल्क जो मैंने बाउल में लिया था उसमें मैं थोड़ा सा हनी ऐड कर रही हूँ। आप मैं यहाँ पर आपको टेबल स्पून के हिसाब से मैं नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा कम भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ इक्वली आप सारे इंग्रेडिएंट को इसमें यूज़ करें, ठीक है। जो मिल्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा आपकी स्किन पर एक ब्लीच का वर्क करता है आपकी स्किन पर। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल भी मैंने, आप देख सकते हैं कितना क्वांटिटी आपको लेना है, आपको पूरी बॉडी के लिए बनाना है। मैं यहाँ ओनली अपने फेस के लिए बना रही हूँ तो मैं इतना ले रही हूँ, अगर आपको पूरी बॉडी के लिए बनाना है तो आप थोड़ा ज़्यादा ले लीजिए। इसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है रोज़ वाटर, और रोज़ वाटर के बाद मैंने यहाँ पर ऑरेंज का जो जूस था वो लिया है, यानी इसी में से मैंने जूस निकाल लिया है। आप देख सकते हो ऑरेंज बहुत अच्छा वर्क करता है आपकी स्किन को फेयर बनाने में, जिसका मैं बताऊंगी आपके साथ सारे बेनिफिट्स मैं आपके साथ में अभी शेयर करने वाली हूँ। तो अच्छे से इसे मैं मिक्स कर लूँगी। तो इसे मिक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स अच्छे से करो, ताकि जितना भी सारे इंग्रेडिएंट मैंने मिक्स किए हैं वो काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन पर, आपकी स्किन को काफ़ी अच्छे से बेनिफिट्स हों सारे इंग्रेडिएंट के जो भी मैंने इसमें यूज़ किए हैं। तो इस टाइप से ये एक बेटर तैयार होगा, यानी आप मतलब इस टाइप से इसका टेक्सचर रहना चाहिए, ज़्यादा बहुत ज़्यादा पतला ही होगा वैसे तो ये। अगर आप अपने फेस अपने हैंड से अप्लाई करना चाहते हैं ये पैक, तो आप अपने हैंड से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर एक कॉटन बॉल की हेल्प से ही अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि वो ज़्यादा सही रहेगा इसीलिए। तो इसे मैं अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर रही हूँ कॉटन की हेल्प से, आप देख सकते हो। अगर आपके पास में जो कॉटन पैड्स आते हैं वो है तो आप उससे अप्लाई कर सकते हो, मेरे पास यहाँ पर कॉटन बॉल है तो मैं उसी की हेल्प से अपने पूरे फेस पर इसे अप्लाई कर रही हूँ। आप इससे आपका जो फेस होगा वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोई हो जाएगा। इसमें हमने ऐड किया है मिल्क, जो कि एक ब्लीचिंग प्रॉपर्टी का वर्क करता है, यानी कि ब्लीच का वर्क करता है, यानी कि ब्लीच किस लिए काम आता है, आपके जो फेशियल हेयर हैं उन्हें लाइटन अप करने में। तो एक बहुत ही अच्छा वर्क करेगा, इससे आपकी जो फेशियल हेयर की प्रॉब्लम है वो रिड्यूस होगी। उसके बाद में मैंने इसमें ऐड किया है हनी, जो कि एक मॉइस्चराइज का वर्क करता है, यानी आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एज अ मॉइस्चराइजर जिनकी स्किन ड्राई है वो यूज़ कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइजर, ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, ठीक है। मिल्क सिर्फ आपके ब्लीच का ही वर्क नहीं करता है, आपके स्पॉट्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को फेयर बनाने में हेल्प करता है, आपके फेशियल हेयर को रिमूव करने में तो हेल्प करता ही है, आपके पिंपल्स डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। मैं मिल्क के बारे में एक अलग से ही वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं आपको मिल्क के सारे बेनिफिट्स बता दूँगी। उसके बाद मैंने इसमें जो हनी ऐड किया था उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, वो भी स्पॉट्स को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है, आपके पिगमेंटेशन को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। उसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है ऑरेंज जूस, जो कि आपकी स्किन को फेयर बनाने में काफ़ी हेल्प करता है। आप इसे डेली अपने पूरे फेस पर किसी भी मुल्तानी मिट्टी हुई, या फिर आप ग्राम फ्लावर
किसी भी इंग्रेडिएंट में आप इसे ऐड करो, आपकी जो स्किन है वो काफ़ी ज़्यादा निखरेगी इससे। अगर आप ब्राइडल हैं तो आप इसे ज़रूर यूज़ करो, ठीक है। यहाँ पर मेरा पैक सूख गया था तो इसके बाद मैं वापस से इसे अप्लाई कर रही हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है रोज़ वाटर, जो कि आपकी स्किन को काफ़ी अच्छा टोन करेगा, ठीक है। इसमें मैंने एलोवेरा जेल ऐड किया है, जो कि आपकी स्किन को एज अ मसाज बहुत ही अच्छा वर्क करेगा। फेशियल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो यहाँ पर मैंने पूरा एक में ही ऐड कर दिया है, ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और काफ़ी अच्छा वर्क करेगा। तो इसे मैंने कॉटन बॉल की हेल्प से अप्लाई करके 15 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैं वापस अपने फिंगर की हेल्प से मसाज करूँगी, क्योंकि फेशियल में मसाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो हम फेशियल तो यहाँ पर कर नहीं रहे हैं, तो इसीलिए मैं मसाज करूँगी 10 मिनट्स के लिए। मैं अच्छे से मसाज करती हूँ ताकि इसका जो बेनिफिट है वो मेरी स्किन में काफ़ी अच्छे से मिल सके इसीलिए। तो एलोवेरा जेल भी आपकी स्किन को एज अ मसाज जेल बहुत ही अच्छा वर्क करता है, आपकी स्किन से पिंपल को रिड्यूस करेगा, डार्क सर्कल्स को रिड्यूस करेगा। तो ये सारे ही बेनिफिट्स मैंने आपको बताए हैं। ये सारे इंग्रेडिएंट्स में आपको कोई भी इंग्रेडिएंट आपको स्किप नहीं करना है, सारे इंग्रेडिएंट आपको मिक्स करने हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट है, जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल होते हैं। अगर आप ऑरेंज जूस आपके पास नहीं है तो फिर आप उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन सारे इंग्रेडिएंट तो सबके पास होते हैं अवेलेबल, घर में ही अपने किचन में आपके पास ही बहुत ही ईजीली अवेलेबल होते हैं। तो अच्छे से मैंने अप्लाई कर लिया है, काफ़ी टाइम तक मैंने मसाज भी किया है। उसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लूँगी और अभी आप रिज़ल्ट देखना, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आया है। मेरी जो स्किन थी वो इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई थी, और मैं इसे रेगुलरली अभी 4-5 डेज से अप्लाई कर रही हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, पहले मैं खुद अप्लाई करके देखती हूँ कि इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं, उसके बाद ही मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो अभी आप देख सकते हो मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया और मेरी स्किन ग्लोई फेयर लग रही है। आप खुद देखो रिज़ल्ट, पहले की स्किन और अभी की स्किन में आप खुद फ़र्क देख सकते हो कि अभी स्किन कितनी ग्लोई ब्राइटन अप लग रही है, क्योंकि मैंने मसाज भी किया है और मैंने ऐसे इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं जो कि स्किन से काफ़ी सारी प्रॉब्लम को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, स्किन को लाइटन अप करने में हेल्प करते हैं। अगर आप ब्राइडल हैं तो इस पैक को आप डेली यूज़ करो, आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अपनी पूरी बॉडी के लिए भी इसे यूज़ करो। आई होप वीडियो पसंद आएगा, मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।